हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाराजा कमोड फिटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि महाराजा कमोड फिटिंग कैसे फिट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये महाराजा कमोड है ना। और जहां इसको फिट करना है तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, इस ये नाप देख रहे हैं, ये गोलाई इसकी, ये देख रहे हैं नीचे से पूरी। तो ऐसे ही हमने इधर काट लिए, ये देख रहे हैं, ये पूरी डिज़ाइन को हमने काट लिए हैं। अब होता क्या है कि इसको कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा इसके ऊपर कमोड को रख देते हैं, उसका कमोड का होल मिला के और पाइप का होल मिला के, तो वो गलत गलत है। उसके लिए सबसे पहले ये देखिए आप, ये ओरिंग देख रहे हैं, ये ओरिंग में ग्लू रहता है, ये देखिए, ये ग्लू को या ये पूरा ऐसा लग जाता है इसमें, ये पूरा ऐसा लग जाता है पाइप में, और फिर ये पेपर को अपन निकाल देते हैं, ये पेपर को निकाल देते हैं और इसमें जो ग्लू रहता है, जैसे ही हम इसमें कमोड को रखते हैं तो ये ग्लू फैल जाता है और कमोड में चिपक जाता है, पाइप प्लस कमोड में चिपक जाता है, जिससे पानी लीकेज यहाँ से होता नहीं है। इसको रखने से पहले ये ओरिंग अपन रखेंगे, उसके बाद इस भाग में जो सीमेंट देख रहे हैं सूखी सीमेंट, इस भाग में अपन जो सूखी सीमेंट को रख देंगे, काफ़ी मात्रा में सीमेंट रख देंगे। और सीमेंट को रखने के बाद करते क्या हैं कि आइट साइड से, ये देख रहे हैं जैसे आइट साइड देख रहे हैं, तो इधर से पानी छोड़ा जाता है, तो पानी छोड़ने के कारण होता क्या है कि सीमेंट फूल जाती है। ज़्यादा मात्रा में छोड़ेंगे पानी तो ये बह के आइट साइड में किनारे में कमोड को पकड़ लेती है ना। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए। देख रहे हैं दोस्तों, इसके जो कागज जो है अपन ने निकाल लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये चिपचिपा पदार्थ है ना, इसको अपन ने यहाँ रख दिए, ये देख रहे हैं ना, ये अपन ने इसके ऊपर रख दिए हैं। अब इस भाग पे अपन पूरा सीमेंट बिछा देंगे, देख पा रहे हैं दोस्तों, अपन ने यहाँ सीमेंट रख दिए हैं, ये देखिए ये सीमेंट पूरी, ये सीमेंट रख दिए हैं। और सीमेंट रखने के बाद अब इसके ऊपर कमोड अपन सेट कर देते हैं, ये कमोड को उठा के है ना, अपन इसको रखे देते हैं। देखिए, देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कमोड सेट हो चुकी है। अब इसमें अपन धीरे धीरे करके यहाँ से पानी छोड़ेंगे, ये सांसद देख रही है ना, ये सांसदों से पानी छोड़ना है जी। जब इसमें पानी छोड़ेंगे तो इसके अंदर जो सीमेंट है, ये सांसदों से पानी छोड़ेंगे तो अंदर जो सीमेंट अपन डाले हैं तो पानी जाने के कारण क्या होगी, वो फूल के आइट साइड में बैठ जाएगी और कमोड जगह पे सेट हो जाएगी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। देखिए दोस्तों, ने जो एक बाटल ले लिए हैं, बाटल में पानी भर लिए हैं और एक बाटल में ढक्कन में होल होल भी कर दिए, होल इसलिए कर दी कि देख रहे हैं आप जो पानी, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो देख रहे हैं पानी छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके पानी छोड़ना है जी जी, ऐसे सभी तरफ से पानी छोड़ना है, जिससे होगा कि अंदर जो अपन सीमेंट डाले हैं तो वो सीमेंट हो जाएगी पूरी गीली, और गीली होने के कारण वह आइट साइड में फैल जाएगी और फैलने के कारण कमोड में सेट हो जाएगी, और सेट हो जाएगी तो वह कमोड जगह से भी नहीं हिलेगी। चलिए देखते रहिए। तो दोस्तों, इसके चारों ओर अपन ने पानी छोड़ दिए हैं। अब पानी को कुछ देर अपन क्या करेंगे, मतलब सूख ले सीमेंट, उसके बाद फिर इसमें आइट साइड से अपन क्या करेंगे कि बिरला वाइट डालना है। देखिए दोस्तों, एक कमोड और भी फिट की है आज हम, जो सिंपल वाली है, ये देखिए, ये देखिए, इस पर भी ऐसे ही अपन ने किए हैं और नीचे कटिंग करके और राइट साइड से बिरला वाइट अपन ने लगा दी है, देख पा रहे हैं आप जी। चलिए अपन वो बड़ी वाली कमोड को फिट करके
दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो बिरला व्हाइट है, अब इस बिरला व्हाइट से अपन करेंगे क्या कि जहाँ से अपन ने पानी छोड़े हैं तो इसके आइड साइड में अपन ये बिरला व्हाइट डाल देंगे। देख रहे हैं, ये अपन ने छोड़ दिए, इधर भी छोड़ देंगे, सामने छोड़ दिए और इधर साइड भी छोड़ दिए। ये देखिए, अब इसको करेंगे क्या अपन हाथ से ये भरेंगे, इसको धांस के भरना है। तो वो जो सांसर जो है वहाँ ये बिरला व्हाइट प्रॉपर समा जाए। जी देखिए दोस्तों, हमने बिरला व्हाइट लगा चुके हैं और बिरला व्हाइट लगाने के बाद ये आइट साइड जो गंदगी दिख रही साफ सफ़ेद सफ़ेद, तो इसको आप एक सफ़ेद एक साफ कपड़े से आप इसको साफ कर लेंगे। ये देखिए, ये उससे क्या होगा कि आप साफ कर लेंगे तो होगा क्या कि ये यहाँ बिरला व्हाइट चिपक नहीं पाएगी, नहीं तो बाद में क्या है यहाँ भूरा भूरा दिखता है। देखे तो उतना ही दिखें, स्टाइल से एकदम बिल्कुल साफ दिखे, देख पा रहे हैं आप? जी, अभी जैसे यहाँ रह गया है इसको भी अपन प्रॉपर शॉप कर ही लेते हैं। जी, कि मतलब उतना ही भाग देखे जितने में अपन ने बिरला व्हाइट लगाए हैं। ये देखिए, ठीक है ना? तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष और भी लाते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।